हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक प्रशिक्षण से संबंधित है जो हम सभी टीचर्स को बहुत जल्द कराया जाने वाला है। प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बेसिक टीचर्स को तो कराया ही जाएगा, बल्कि साथ साथ माध्यमिक के शिक्षकों को भी ये प्रशिक्षण कराया जाएगा। चलिए देखते हैं ये प्रशिक्षण कौन सा है जो इतना महत्वपूर्ण है, जो हम सभी को कराया जाएगा और हमारे साथ साथ माध्यमिक के शिक्षकों को भी कराया जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर करें। साथियों, आपको अवगत कराना है कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें मैं YouTube पर अपलोड करने के साथ साथ एक WhatsApp ग्रुप पर भी शेयर करता हूं। अगर आप मेरे WhatsApp ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे WhatsApp नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक को ओपन करके WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इस प्रशिक्षण में हमें क्या क्या करना होगा, किस चीज़ से संबंधित है ये प्रशिक्षण। रोड सेफ्टी ट्रेनिंग, सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण, यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएंगे शिक्षक, 75 जिलों के शिक्षकों का सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण का कार्य अंतिम दौर में, स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन तैयार किए जाने का प्रथम चरण इसी माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। हर जिले से 100-100 बेसिक शिक्षक सड़क सुरक्षा की जानकारी लेकर स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। ध्यान दें मित्रों, प्रत्येक जिले से 100 बेसिक टीचर्स को इस प्रशिक्षण को दिया जाएगा, ताकि वो बच्चों में सड़क सुरक्षा की जानकारी साझा कर सकें। वहीं नवंबर माह तक माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है ये कि इसे माध्यमिक शिक्षकों को भी कराया जाएगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा की जानकारी तो हर उम्र के बच्चों को होनी चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों या माध्यमिक के बच्चे हों। इस ट्रेनिंग का नाम है रोड सेफ्टी ट्रेनिंग। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने बच्चों को शुरुआती दौर से ही प्रशिक्षित करने की तैयारियों को आगे बढ़ाया है। इसके तहत प्रथम चरण में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को और दूसरे चरण में माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो पहला फेस होगा उसमें बेसिक टीचर्स को प्रशिक्षण मिलेगा और दूसरे फेस में जो माध्यमिक के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले से 100-100 बेसिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी माह के अंत तक सभी जिलों के शिक्षक बतौर मास्टर ट्रेनर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यह सभी प्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में न केवल बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे, बल्कि इसे विद्यार्थियों को एक पाठ के रूप में रोज पढ़ाएंगे भी। यानी कि जो प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा उसको बच्चों को रोज पढ़ाना है, ताकि बच्चे सड़क सुरक्षा के नियमों से भलीभांति अवगत हो जाएं। सड़क सुरक्षा को लेकर चल रही उच्च स्तरीय बैठकों के बाद ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर तय गाइडलाइन के चलते सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम गति नहीं पकड़ पा रहे थे। इसे लेकर परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग के सहयोग से ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। शिक्षक बतौर मास्टर ट्रेनर की भूमिका में होंगे। बेसिक शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्य अंतिम दौर में पहुंच गया है। अगले माह तक
वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अध्यापकों को ग्रुपों में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। इसके बाद यह शिक्षक अपने अपने स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों का रोज पाठ पढ़ाएंगे। इससे शुरुआती दौर से ही विद्यार्थी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सजग होने लगेंगे। ये कहा है श्री पुष्प सेन सत्यार्थी, जो उप परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा के हैं। तो साथियों, आप इस प्रशिक्षण के लिए तैयार रहें, बहुत जल्दी प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक जिले से 100 बेसिक टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने विद्यालय में इससे बच्चों को रूबरू कराएंगे, और हमारे साथ साथ ये जो माध्यमिक के टीचर्स हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।